नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सायंकालीन समाचार में सूचना निकल के आ रही है, कुछ इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से एक बम्पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देखिए लिखा है, दिनांक 1 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विकसित अध्याचन पोर्टल के माध्यम से 2022 के अध्याचन भेजने के विषयक में जो नोटिस है वो जारी हो गई है। यानी कुल मिलाकर के अध्याचन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जो कि यह सूचित करता है कि नई जो वैकेंसी आगामी चर्चा हो रही थी उसके लिए कार्य प्रगति पे हो गया है और उम्मीद जताई जाती है कि जल्द ही वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। लिखा है, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा वर्ष 2022 के अध्याचन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 3 दिसंबर 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन प्राप्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से अध्याचन ना तो प्रेषित किए जाएंगे और ना ही स्वीकार किए जाएंगे। कुल मिलाकर के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार जो धरना हो रहा है और अभ्यर्थियों का दबाव रहा है, उसका एक प्लस पॉइंट आपको दिखाई देने को आया है सामने। या आप देख पा रहे हैं कि जो है अध्याचन हेतु पोर्टल जो है 3 तारीख यानी कल से खुल जा रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया न्यूज़ हो सकती है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि लगे हैं अगली आगामी भर्ती के लिए। अब यह एक आगे जो लिखा है, आगे जो इस पर सूचना दी है उसको ध्यान से देखें। लिखा है 12/12/2021 तक इसमें ऑनलाइन पोर्टल की बात कही गई है खुलने की। ऑनलाइन अध्याचन पोर्टल के माध्यम से अध्याचन भेजने हेतु गाइडलाइन तथा यूजर मैनुअल संलग्न है, कृपया इसका भरी भांति अध्ययन कर लें, जिससे ऑनलाइन अध्याचन प्रेषण में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। जिला विद्यालय निरीक्षकों को पोर्टल 1/4 के अध्याचन प्रेषण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण व 2019 में दिया जा चुका है एवं उक्त पोर्टल के माध्यम से उनके द्वारा कई बार अध्याचन प्रेषित भी किया जा चुका है। तथापि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के अध्याचन प्रेषण में किसी कठिनाई की दशा में रिमोट डेस्कटॉप के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी अथवा अन्य किसी चयन बोर्ड की जो हेल्पलाइन है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अतः कृपया निर्धारित समयावधि में ध्यानपूर्वक परीक्षोपरांत सत्यापित अध्याचन चयन बोर्ड के ऑनलाइन प्रेषित करने का कष्ट करें या सुनिश्चित करें। तो ये जो बातें हैं ये आज की नोटिस पे जारी कर दी गई है। यह बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर इसमें अध्याचन आ जाते हैं तो उसी हिसाब से आगामी भर्ती आने वाली रहेगी। 2022 की जो भर्ती है आपको देखने मिलेगी। सरकार की हो सकता है कि इस तरह की कोशिश हो कि आगामी चुनाव के ठीक पहले वैकेंसी को दे दिया जाए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।